गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति रावल। बच्चों, पिछले सेशन में हमने सीखा उ की मात्रा वर्ण में जोड़कर उसका उच्चारण कैसे होता है और उसको लिखते कैसे है, ये सीखा। आज हम उ की मात्रा वाले वर्ण को जोड़कर शब्द बनाना और उसका उच्चारण करना और उसको लिखते कैसे है वह सीखेंगे। तो आओ बच्चों, हम शुरुआत करते हैं वर्णमिलाओ से। देखो बच्चों, ये है वर्णमिलाओ। पहले नंबर वन, उ प्लस प प्लस व प्लस न। तो इसमें हम जितने भी प्लस है वो निकाल देंगे और जो अलग अलग अक्षर है उन सबको हम मिलाकर, यानी कि वर्णों को मिलाकर लिखेंगे साथ में, तो बन जाएगा शब्द। तो ये इन सबको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उपवन। उ प्लस प प्लस व प्लस न, तो बनेगा उपवन। सेकेंड नंबर, ग प्लस उ की मात्रा प्लस ला प्लस प। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि उ की मात्रा जो है वो हम नीचे की लाइन में लिखेंगे, तो आपको भी अपनी नोटबुक में जब लिखो तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है। तो देखो बच्चों, ग के साथ हम उ की मात्रा मिलाएंगे तो ग के साथ नीचे उ की मात्रा लिखेंगे तो बनेगा गु। ला और प है तो बीच में से प्लस निकाल देंगे तो पूरा शब्द बनेगा गुलाब, गुलाब। एक बार फिर से देख लो, ग प्लस उ की मात्रा प्लस ला प्लस ब तो बनेगा गुलाब। तीन नंबर, क प्लस छ प्लस उ की मात्रा प्लस आ। इसमें भी उ की मात्रा जो है वो छ के बाद है, तो छ जो है उसमें हम लगाएंगे उ की मात्रा और पूरा शब्द साथ में लिखेंगे तो बनेगा कछुआ, कछुआ। क प्लस छ प्लस उ की मात्रा प्लस आ तो बनेगा कछुआ। चार नंबर, ध प्लस उ की मात्रा प्लस न तो बनेगा धुन, धुन। तो बच्चों, ये हमने सीखा वर्ण मिलाओ, यानी कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना सीखा। अब ऐसे ही उ मात्रा वाले थोड़े और शब्द पढ़ते हैं। तो आओ बच्चों, थोड़े और शब्द पढ़ते हैं। उपवन, उपवन। गुलाब, गुलाब। कछुआ, कछुआ। साबुन, साबुन। मुर्गा, मुर्गा। कुसुम, कुसुम। गुड़िया, गुड़िया। जामुन, जामुन। बुलबुल, बुलबुल। तो बच्चों, ये देखो हमने थोड़े ऐसे और शब्द पढ़े। आगे देखो बच्चों, ये जो है ये आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर लास्ट में लिखा हुआ है, ये है। तो इसमें आपको थोड़े शब्द उ मात्रा वाले दिए हुए हैं। इसमें आपको जैसे आपने पहले भी किया था अ आ ई ई सारी मात्राओं में ये सब किया हुआ है, वैसे ही इसमें भी जो शब्द दिए हुए हैं उसके ऊपर आपको ट्रेसिंग करनी है और
ट्रेसिंग करना है, मतलब कि इसके ऊपर आपको लिखना है, और ये लिखने के बाद इसके नीचे जो जगह दी हुई है वो सारे वर्ड्स, सारे शब्द आपको ऊपर से देखकर ही नीचे खाली जगह है वहाँ पे लिखना है। तो बेटा ये आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, तो बहुत अच्छे से लिख देना। ओके, अभी इसको हम एक बार पढ़ते हैं, तो आओ शुरुआत करते हैं पढ़ने की। सबसे पहला है पुल, पुल, कुल, कुल, धुन, धुन, और लास्ट वाला है मधु, मधु। ओके बच्चों, तो ये आज हमने उ की मात्रा के वर्ण मिलाओ और शब्द सीखे कि उसको बोलते कैसे हैं और उसको लिखते कैसे हैं। तो इसके रिलेटेड आपको वर्कशीट मिल जाएगी, उसमें से देखकर आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, बाय।